अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप ये वीडियो लेट के देख रहे हैं या टेक लगा के देख रहे हैं तो थोड़े से आगे हो जाएं, लेट के देख रहे हैं तो उठ के बैठ जाएं। मैं अभी आपको अपनी लाइफ का निचोड़ बताने लगा हूं, वो भी बिल्कुल शॉर्ट से टाइम में। सबसे पहले आप अपने चेहरे पे स्माइल ले आएं, इसके बाद आप इस वीडियो पे फोकस करके रखें। आपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, सबसे पहले आपने कम्युनिकेशन को समझना है कि कम्युनिकेशन होती क्या है। कम्युनिकेशन क्या है? किसी दूसरे से बात करना, एक सलाहियत से बात करना, एक महारत से बात करना किसी दूसरे से। स्किल क्या है? ये पैदा होते हुए स्किल नहीं होती, ये टाइम टू टाइम इंसान जब सीखता है, लर्न करता है तो तब ही स्किल आती है। टैलेंट और चीज होता है, टैलेंट पैदाशी होता है, लेकिन स्किल जो आती है वो लर्निंग से आती है। अभी एक चीज पे आपने फोकस करना है, क्या बोलना है, कहां बोलना है, किस तरह बोलना है, क्या समझना है, कहां समझना है, क्या कहा जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कह रहा है ये इंपॉर्टेंट है, और किस जगह कह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और किस कॉन्फिडेंस से कह रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, और उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है ये भी इंपॉर्टेंट है, उसके चेहरे पे स्माइल है या नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बोलने से ज्यादा सुनना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी की बात को पहले पूरा सुने और उसके बाद जब भी बात करें ना, एकदम तेज तेज बात ना करें, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता धीमे लहजे में बात करें। ना तो बहुत ऊंची बात करें, ना बहुत लो लेवल में बात करें, बल्कि धीमे धीमे लहजे में बात करें। दयानतदारी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आप जो भी बात कह रहे हो ना, वो दिल से निकल रही हो, दिल आपका वो बात कह रहा हो। और उसके बाद लर्निंग, आप जो भी बात करेंगे उसमें आपका ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो किसी को सिखाने के लिए होना चाहिए। जब आपका लर्निंग का फोकस होगा ना, तब पब्लिक आपकी बात जो है गौर से सुनेगी। दूसरे को सुनना, सुनना और उसके बाद समझना, समझ के फील करना। बात फील करने के बाद आपने रिस्पांस करना है, एकदम रिस्पांस नहीं करना, फील करके रिस्पांस करना है। आपने हमेशा अपनी बातें नहीं करनी है, आप दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लें। ये कम्युनिकेशन स्किल की बिल्डिंग है, दूसरे की बात में इंटरेस्ट लेना। आप दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट लें, दूसरे की बातों में इंटरेस्ट लें, क्वेश्चनिंग करें, लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग ना करें। उसकी लाइफ के बारे में टाइम टू टाइम थोड़ी बहुत क्वेश्चनिंग करते रहें। इन चीजों पर अगर आपने अमल किया ना, तो आपकी बहुत जल्द कम्युनिकेशन जो है स्ट्रांग हो जाएगी। ये चीजें आपने नोट कर लेनी है। डिटेल में मैं जा सकता हूँ, एग्जाम्पल के साथ जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे। अभी मैं वॉइस में छोटी सी छोटी चीज एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं।